4.2.3 असमान गति का ग्राफ, ग्राफ्स फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी तक हमने केवल एक समान गतियों के बारे में जाना है, अब हम ऐसी गतियों के बारे में जानेंगे जो एक समान नहीं है। स्टेशन से छूटती हुई या स्टेशन पर रुकती हुई बसें आपने देखी होंगी। स्टेशन से छूटने पर क्या बस की गति एक समान रहती है? ऐसी गति को जिसमें चाल बढ़ रही हो या घट रही हो असमान गति कहते हैं। सारणी क्रमांक 5 में बस द्वारा तय की गई दूरी दी गई है। अब बताएं कि क्या बस ने समान समय में समान दूरियां तय की? ग्राफ का कौन सा भाग बस की बदलती गति को तथा ग्राफ का कौन सा भाग बस की एक समान गति को बताता है? किस खंड में बस रुकी हुई थी? ग्राफ के एक समान गति व बदलती गति के खंडों को ध्यान से देखें। इनमें आपको क्या कोई विशेष अंतर दिखता है? गति के ग्राफ का वक्र होना यह दिखाता है कि उस खंड में गति लगातार बदल रही है। ग्राफ के ए बी खंड को ध्यान से देखिए। इस खंड में बस के स्टेशन से छूटने के बाद उसकी चाल बढ़ रही है। प्रश्न, चाल एवं वेग में अंतर लिखें। किस स्थिति में किसी वस्तु के औसत चाल व वेग का परिमाण बराबर होगा? एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ खींचें।